नमस्कार, आप जो रहा है लोकसत्ता जनसत्ता खबर सामे आ रही है। वडोदरा थी भाजपना उम्मीदवार सामे वडोदरा कांग्रेसे पोलिस फरियाद नोंधावी होवानी खबर छे। खबर पर नजर करिए तो कर्नाटकना चितपुर विधानसभाना भाजपना उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ सामे कौमी वैमनस्य फैलावा मामले रावपुरा पोलिस स्टेशन में कांग्रेसे फरियाद नोंधावी होवानुं सामे आवी रह्युं छे। तमने जणावी दईए कि रावपुरा पोलिसे मणिकांत राठौड़ विरुद्ध फरियाद नोंधता मोटी संख्यामां कांग्रेसना कार्यकरो रावपुरा पोलिस मथक पहोंची। आज रोज वडोदरा शहर कांग्रेस समिति कार्यकारी प्रमुख तरीके हूँ पोते फरियादी बनी ने रावपुरा पोलिस स्टेशन ना पीआई श्री ने अमे फरियाद नोंधावा आया छे। कर्नाटक नी आवतीकाले विधानसभा नी चूंटणी छे 10मी तारीखे अने कर्नाटक विधानसभा ना चितपुर बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ आ असामाजिक व्यक्ति एनी उपर 40 थी उपर केस नोंधायेला छे। गया वर्षे पण एमणे धाक धमकीना जे केस हता एमां एक वर्षनी सजा अने 10,000 रुपयानो दंड करेलो छे। शिस्तमां गणाती भारतीय जनता पार्टीना आ उम्मेदवार थकी अमारा राष्ट्रीय प्रमुख कोंग्रेस पक्षना मल्लिकार्जुन खड़गेजी એમને ધાકધમકી આપવાનો, એમના પત્ની એમના પરિવારને ધાકધમકી આપવાનો જે શબ્દોમાં એમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે અને એના અનુસંધાને સમગ્ર દલિત પરિવારો જે છે એમની લાગણી દુભાઈ છે। કારણ કે મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી એ દલિત સમુદાયમાંથી આવે છે, ખૂબ લોકપ્રિય નેતા છે અને અમે પણ દલિત સમુદાયમાંથી આવીએ છીએ ત્યારે આજરોજ અમે રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશને જે મણિકાંત રાઠોડ છે એમની વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે। આઈપીસી કલમ 153 એ 195 એ 505 506 120 બી આઈપીસીની કલમ અન્યત્રે અમે ફરિયાદ નોંધાવી છે।